हाँ तो दोस्तों, आ गए हम अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। और देखिए, मतलब यहाँ फोटो तो आप लोग को इसमें लाना तो आता ही होगा। और अब हम आपको बताते हैं कैसे फोटो एडिट किया जाता है, कैसे बैकग्राउंड मस्त एकदम तड़ाका जैसा लगता है। टॉप देखिए, दिखाते हैं। फोटो टच किए, ठीक है, हो गया हमारा फोटो भरा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितने सारे टूल हैं, ठीक है। हम क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करके यहाँ सही का बटन लगा सकते हैं, ठीक है। खुद आता ही होगा, ठीक है। आगे और दिखा रहे हैं, ये लाइट टूल है। लाइट यहाँ पर देखिए, इतना इतना मतलब साफ है ना, इतना वाइट है। इसको हम चाहेंगे तो कम कर सकते हैं, थोड़ा एक्सपोजर कम कर दिए तो हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा पिक कुछ ज़्यादा है, ठीक है, इस कारण से इसे थोड़ा, ठीक है, एक्सपोजर इतना रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए वाइट 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 को लिए सबको कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहना है। वाइट देखिए, वाइट जो है वाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, और ब्लैक ब्लैक को थोड़ा घटा सकते हैं। ब्लैक को घटाने से जितना भी आपका ब्लैक होगा वो सब ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, एकदम यूनिक, ठीक है। और अगला टूल देखना है हमें कॉलर का, ठीक है। कॉलर देखिए, इसका सेचुरेशन थोड़ा सा घटा देना, थोड़ा एकदम, कितना तो 15, ठीक है, 15 करके रख देना, ठीक है। उसके बाद आपको ये मिक्स मिक्स टूल में जाना है, ठीक है। मिक्स टूल में जाके ये जैसे ये ऑरेंज वाला है ना, ऑरेंज वाला 2 नंबर पे जो है, उसका सेचुरेशन थोड़ा सा घटा देना, ठीक है। घटाने को देख के फेस कितना एकदम यूनिक मस्त लग रहा है एकदम। ये लेमिनेस जो है इसको इतना बढ़ा लेना जितना आपका, मतलब आपका फेस डिपेंड करता है उस पर, जितना आपका ब्लैक होगा उतना आप इसे वो बढ़ाते रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उजला मतलब एकदम पूरा वाइट मस्त लगेगा। और हाँ देखिए, जैसे हमारा बैकग्राउंड जिस कलर का, जैसे ब्लू कलर है, ब्लू कलर है तो यहाँ इसमें देखना है वो भी ब्लू कलर का। हाँ ब्लू कलर हमें मिल गया, ये है तो ब्लू कलर। देखिए इधर इधर किए तो देखिए कैसा कलर होगा, ठीक है। और इधर किए देखिए कैसा कलर होगा, ये कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है पीछे, लेकिन ये लग रहा है बेटर, ठीक है। अब करना क्या है, अब आगे आगे देखिए, जैसे ये सब है ग्रीन ग्रीन को भी ऐसे इसका सेचुरेशन पूरा घटा देना है। अभी येलो येलो का भी घटा देना, ठीक है। सभी का घटा देना, ठीक है। और जितने भी कलर है सब कर दिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको पता होना चाहिए, डन, ठीक है, डन कर दिए। अब करना क्या है, जाना है ये इफेक्ट्स वाला टूल में। इफेक्ट्स में गए, थोड़ा टेक्सचर थोड़ा बढ़ा देना, ठीक है, बढ़ा दिए। थोड़ा क्लियरिटी भी बढ़ा देना है, और ढेज को रहने देना। उसके बाद विग्नेट है ना, विग्नेट को थोड़ा कम कर देना, ताकि अगल बगल मस्त लगे एकदम पूरा ब्लैक। ये सब जैसे वैसे ही रहना देना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ये डिटेल वाले, मतलब डिटेल वाला टूल में। तो बस शार्पनिंग जो है, शार्पनिंग थोड़ा भरा देना, एकदम थोड़ा थोड़ा सा भरा देना। उसके बाद जाना है किसमें, ये सब ऐसे ऐसे का ऐसे रहना है। उसके बाद जाना है नॉइस रेडिएशन में, ठीक है। नॉइस रेडिएशन को थोड़ा सा भरा देना, एकदम थोड़ा सा। और फिर ये सब में कुछ नहीं करना। उसके बाद कलर नॉइस रेडिएशन है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना। स्मूथ तो आप जितना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। आपका वो मतलब आपका फेस पर डिपेंड है, जो कितना आप न्यूनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ, ठीक। मेरा हो गया, लाइट रूम से फ़ोटो तैयार हो गया। अब इसको करना क्या है, इसको जाके सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से सेव टू डिवाइस, ठीक है। ओके, मेरा फोटो सेव हो रहा है, ठीक है, सेव होने देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब जाना है हमें स्नैपसीड एप्लीकेशन में, ठीक है। स्नैपसीड तो आपको पता ही होना चाहिए कौन सा एप्लीकेशन है, फोटो एडिट का मास्टर है वो, मास्टर, ठीक है। उसमें जाना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग जाते हैं, स्नैपसीड का मेरा कहाँ है, कहाँ, यहाँ ये रहा। हम लोग गए और चले आए किसमें, एक सेकेंड आप मेडम आना, इसमें ये कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे हम करते हैं एडिटिंग मस्त सा,
एकदम देखो ये है कि थोड़ा सा ब्राइटनेस गढ़ा बढ़ा के देख लेना है क्या अच्छा लग रहा है मेरा, तो थोड़ा बढ़ा लेते ठीक है, थोड़ा सेचुरेशन थोड़ा कम कर लेना है ठीक है, और थोड़ा इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना एकदम मस्त सा, ओके अब कर देना है सही ठीक है। उसके बाद फिर जाना है देखिए ये नीचे होगा, हाँ पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में जाके ठीक है, पोर्ट्रेट में गए, पोर्ट्रेट को ये थोड़ा लेगा आजा आजा, ये थोड़ा फेक सो डिटेक्ट करता है ठीक है। स्मूथ देखो आप लोग को सिर्फ ये स्मूथ स्मूथ टू में रखना है ठीक है, स्मूथ टू में रख लीजिए। उसके बाद थोड़ा इसको ऐसे बढ़ाना, इस देखो इसको जैसे बढ़ाओगे वैसे आपका फेस कुछ ज़्यादा वाइट होगा, लेकिन हमें ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है इसलिए थोड़ा कम ही रखना है। उसके बाद देखिए स्किन स्मूथिंग जो है इसको आप अपने फेस के हिसाब से स्मूथ कर लो ठीक है। देखो मेरा कुछ ज़्यादा है जिस कारण से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम ऐसे कर लिए ठीक है। ऐसे करने के बाद देखो अब क्या करना है हमें, उसके बाद सही कर दिए ठीक है, सही कर दिए। उसके बाद हमें जाना है किसमें, डिटेल, डिटेल में गए, डिटेल में देखो जैसे आप ये बढ़ाओगे देखो कि क्या मस्त सा लग रहा है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं इतना रखना है ठीक है। उसके बाद जाना है सही, उसके बाद करना क्या है हमें इसको थोड़ा बैक वो कैसा लग रहा है वो मतलब बैकग्राउंड देखो कैसा लग रहा है, तो उसको हमको सही करना है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जाना है और यहाँ व्यू एडिट जो है इसमें जाना है और डिटेल्स में जाके ऐसे कर देना है ठीक है। तो अब देखो अब करना क्या आपको तो पता होना चाहिए, बस ऐसे 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 करना है बस खस खस, इसमें थोड़ा डिटेलिंग ला देता है मतलब कि थोड़ा लगता है कि जो ये रियल है मस्त सा, वैसे फोटो भी तो रियल ही है लेकिन फिर भी और रियल लगेगा जो कि मैं कर रहा हूँ। मस्त सा तो यदि आप लोग को फोटो एडिट करवाना है तो भेज सकते हैं मुझे, लेकिन फिर भी आप लोग को आप लोग सीख जाओगे तो खुद ही आप कर सकते हो, आप लोग मतलब आप लोगों को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई मेरा फ़ोटो एडिट कर दो, वो लोग भाव खाते हैं ना कर नहीं कर देते फोटो एडिट, तो आप खुद से भी कर सकते हो ठीक है। देखो क्या मस्त लग रहा है ना, बोले बोले फिर बस फेस वैसे ही रहना, मेरा फेस जैसे था वैसे ही रहना मेरा, उसके बाद सही मार देना ठीक है, सही मार दिए तो क्या मस्त लग रहा है ट्रेंडिंग का जब। उसके बाद फिर करना हो थोड़ा ये विंटेज में जाना है, थोड़ा कोई इफेक्ट आप मार सकते हो जो आपको अच्छा लगे ठीक है, फिलहाल तो रहने देते हैं लेकिन ऐसे ही देखने में मस्त लग रहा है एकदम सॉलिड गजब। अब थोड़ा ये सेलेक्टिव टूल को देख लीजिएगा, सेलेक्टिव टूल गए ठीक है, जैसे जहाँ जहाँ आपका ब्लैक है देखो थोड़ा 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 सा यहाँ पर मेरा ब्लैक लग रहा है थोड़ा, तो इसके पास ऐसे करना है दोनों उंगली को ऐसे 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 करके ठीक है, ऐसे आप बढ़ा सकते हो ब्राइटनेस और थोड़ा इसका सेचुरेशन घटा देना, फिर एक सेलेक्ट करके यहाँ पे लाना है जहाँ पर भी आपका ब्लैक होगा आप ऐसे करके घटा बढ़ा सकते हो ठीक है, मस्त लगेगा। उसके बाद फोटो क्या गजब लगेगा भाई साहब, देखो एक फिर लेके इधर बाल पे भी कर सकते हो, बाल आपका कुछ ज़्यादा वाइट है जिस कारण देखो ब्लैक हो गया ना, उसके बाद थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, देखो क्या यूनिक लग रहा है मस्त सा ठीक है ना, हो गया ना गजब फोटो। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ना मेरा टी शर्ट के हिसाब से आप करिएगा ठीक है, कैसा आपका टी शर्ट थोड़ा इसको कम कर देते हैं, देखिए क्या मस्त लग रहा है फोटो यल्ला मस्त गजब ठीक हो। आगे यदि आपको ऐसा ही फोटो एडिट चाहिए ठीक है तो आप कमेंट करिए, हम और एडिट करके लाएंगे ठीक है। आपको इतना मतलब आपको यदि कोई दिक्कत हो रही है फ़ोटो एडिट करने में तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा ठीक है। धन्यवाद।